विजयनगर सिंहासन पर हरिहर द्वितीय के बैठने और बहामनियों पर सेनाप्पा के जीत के साथ विजयनगर इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। हरिहर राय द्वितीय ने अपने पुत्रों के प्रत्यक्ष शासन के तहत अपने प्रभुत्व को मजबूत करने शुरू कर दिया। विरूपक्ष को तमिल जिलों पर शासन करना था। राजकुमार देवराय को उदयगिरी में तैनात किया गया था। इमाडी बुक्का को मूलबगल के प्रभारी बनाया गया था। अरग्य राज्य और वनवासी को उनके मंत्री माधव मंत्री के अधीन रखा गया था। इस समय तक तेलुगु देश में बहुत कुछ हुआ है। रचेल्ला वेलमा ने अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया है, जो राजकोंडा और देवराकोंडा से शासन कर रहे हैं। राजकोंडा वेलमा ने अनावता नायक ने कापाया नायक को हराकर मार डाला और तेलुगु संघ को समाप्त कर दिया। उसने अपने राजधानी को वरंगल में स्थानांतरित कर दिया। वेलमा ने बहामनियों के साथ एक गैर आक्रामक समझौता किया और इसीलिए रेड्डी और वेलमा के खिलाफ अपनी पूर्वी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए देवराय ने राजनीति के भनवार में प्रवेश किया। कृष्णा नदी तक विजयनगर सीमा का विस्तार करने की उनकी व्यक्तिगत आशंकाएं भी थी। दूसरी ओर मुजाहिद शाह के हत्या के बाद बहामनी राज्य अराजकता में था। उसके एक हत्यारे दाऊद ने ताज अपने लिए ले लिया। जबकि कई दिग्गज महल के राजनीति से बाहर रहे दो दल उभारे, एक दाऊद के समर्थन में और दूसरा दिव्यांगत सुल्तान मुजाहिद के बहन रूह परवार के नेतृत्व में। उसने जल्द ही दाऊद की हत्या कर दी और मोहम्मद प्रथम के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद द्वितीय को सिंहासन पर बैठा दिया। वे शान स्वभाव का था और विजयनगर से शत्रुता समाप्त करना चाहता था। साका 1302 तक बहामनियों ने फिर से आदोनी पर हमला किया, लेकिन सेनाप्पा ने उन्हें खदेड़ दिया। इस बीच विजयनगर वेलमा और बहामनियों के बीच गठबंधन को तोड़ना चाहता था। इमाडी बुक्का, यदुराया, सलुवा रामदेव और नायकाचार्य कंपना के कमान में अभियान भेजा गया था। वे तेलंगाना के अंदर तक घुस गए और कट्टाकोंडा में वरंगल के पास एक गंभीर लड़ाई लड़ी। बहामनी सेना ने विजयनगर सैनिकों पर भी हमला किया। सलुवा रामदेव मारा गया, लेकिन बुक्का द्वितीय ने अपने दुश्मनों को भगा दिया और विजयी होकर लौटा। साका 1312 में दंडनाथ गुंडा के कमान के तहत एक दूसरा अभियान शुरू किया गया था, लेकिन अनावता के भतीजे पेड़ा वेदागिरी द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। विजयनगर के सेनाओं ने बहामनियों के विरुद्ध अधिक गंभीरतापूर्वक अभियान चलाया। हरिहर द्वितीय ने अपने बेटे देवराय को साका 1312 में तुंगभद्रा के पास आलमापुरा में अपने 6 गुना सेना के साथ जाने और वहां रहने के लिए कहा। बचियाप्पा के नेतृत्व में एक सेना ने साका 1317 में बहामनियों से रंगिनी को ले लिया। साका 1319 में इरुग्गपड़ दंडनाथा द्वारा सहायता प्राप्त इमाडी बुक्का ने पनुगली के किले पर कब्जा कर लिया, बहामनी सेना का संहार किया। ये किला तेलंगाना में भविष्य के अभियानों के लिए आधार के रूप लेने वाला था। मोहम्मद द्वितीय बहामनी सुल्तान के अपने पूर्ववर्ती दाऊद के दो बेटे थे, फिरोज खान और अहमद खान। उन्हें अपने बेटों के रूप में अपनाया और उनकी बेटियों से उनका विवाह करवाया और उनमें से एक उसके बाद सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन जब मोहम्मद द्वितीय के अपना पुत्र गियासुद्दीन हुआ तो वे चाहता था कि उसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। साका 1319 में गियासुद्दीन तहमतान सुल्तान बना, लेकिन एक उजार तगलचिन तुर्क द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तगलचिन ने गियासुद्दीन के सौतेले भाई शमसुद्दीन दाऊद द्वितीय को गद्दी पर बिठाया। दिव्यांगत सुल्तान के बहनों ने अपने पति फिरोज खान और अहमद खान से बदला लेने का आग्रह किया। फिरोज और अहमद ने बेहतर रणनीति के साथ ऊपरी हाथ प्राप्त की और 1319 के सर्दियों में खुद को ताजुद्दीन फिरोज और अहमद को अपने प्रधानमंत्री के रूप में सुल्तान घोषित किया। बहामनियों के खिलाफ अभियान जारी था। साका 1320 के सर्दियों में इमाडी बुक्का ने हरिहर द्वितीय के आदेश के तहत 30,000 घोड़ों और पैदल के एक विशाल सेना के साथ बहामनी क्षेत्रों पर आक्रमण किया, मुदकल और रायचूर के किलों पर कब्जा करने के लिए। उनके साथ उनके बेटा
युवा राजकुमार भी था। फिरोज शाह ने उससे लड़ने के लिए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। बुक्का ने बाढ़ से भरी कृष्णा नदी के पास अपना डेरा डाला और बहामनियों का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया। सुल्तान फिरोज ने नदी के पास पहुंचकर अपने मुख्य अधिकारियों के साथ युद्ध परिषद की बैठक की। एक काजी सिरोज ने नदी के उस पार एक गुप्त अभियान के नेतृत्व करने और राजा या उसके बेटे की हत्या करने का प्रस्ताव रखा। अनुमति मिलने पर काजी ने अपने 7 अनुयायियों के साथ नदी पार की और नर्तकियों के शिविर में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने एक नर्तकी को यकीन दिलाया कि वे संगीतकार है। रात में नर्तकी ने युवा राजकुमार के सामने प्रदर्शन किया। काजी और उसका एक अनुयायी राजकुमार को प्रसन्न करने वाला संगीत बजा रहा था। अंत में वे अचानक राजकुमार पर टूट पड़े और उस पर कटार से वार किया। राजकुमार वही मर गया और काजी और उसके दोस्तों ने शिविर में दूसरों को मारना शुरू कर दिया और फिर वहां से भाग गए। एक बड़ा भ्रम मच गया। तरह तरह के चेतावनियां और तरह तरह के खबरें और अफवाहें फैल रही थी। राया के डेरा 10 मील लंबा फैला हुआ था और रात में घोर अंधेरा था। परिस्थितियों को अलग तरह से बताया जा रहा था और प्रमुख काफी भ्रमित थे। इस समय सुल्तान की लगभग 4000 सेना ने नावों में नदी पार की। शिविर में दृष्टिकोण और भ्रम से राय की सेना घबरा गए और हमला होने से पहले भाग गए। सुबह होने से पहले ही फिरोज शाह ने अपनी पूरी सेना के साथ नदी पार की और बड़े रोष के साथ दुश्मन के शिविर पर हमला कर दिया। अपने बेटे की मौत से दुखी इमाडी बुक्का ने हल्का प्रतिरोध किया। अपने बेटे के लाश के साथ वे अपने सेना के साथ भाग गया। सुल्तान ने शिविर में अपार लूटपाट की और राया के विजयनगर के आसपास तक पीछा किया। राया ने विजयनगर की दीवारों के अंदर सुरक्षा ले ली। इसे अवैध पाते हुए सुल्तान ने अहमद को लूटने के लिए शहर के दक्षिण में भेज दिया। वे जल्द ही कई कैदियों के साथ लौटा। शहर में उनके रिश्तेदारों ने वृद्ध राया हरिहर द्वितीय से शांति के लिए मुकदमा करने की भीख मांगी। काफी बातचीत के बाद उसे फिरौती देने पड़ी। 2 राज्यों के सीमा समान रहेगी। फिरोज शाह बिना अधिक लाभ प्राप्त किए लौट गया। विजयनगर में हरिहर राय द्वितीय की जल्द ही मृत्यु हो गई और जल्द ही गृहयुद्ध छिड़ गया। राया विरूपक्ष प्रथम सिंहासन को जब्त कर लिया और अपना समय महिलाओं और पेय पदार्थों के साथ तब तक बिताया जब तक कि कुछ महीनों के भीतर उनकी हत्या नहीं कर दी गई। इमाडी बुक्का राया फिर सिंहासन पर बैठा और राजधानी के चारों ओर किलेबंदी के कई नए पंगटिया जोड़े और कोरोमंडल तट पर मूरों को मार डाला।